रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। बड़ी खबर, लाइनमैन के द्वारा सप्लाई बंद किए बगैर युवक को खंभे पर चढ़ाया, युवक की हालत गंभीर, गंभीर हालत में किया गया ग्वालियर रेफर। महेवा थाना ओरछा अंतर्गत ग्राम महेवा में बिजली विभाग के लाइनमैन जगदीश यादव द्वारा भगवान दास कुशवाहा उम्र 26 वर्ष निवासी महेवा को प्राइवेट तौर पर बिजली के काम के लिए रखा गया था। मामला महेवा ग्राम का है, जहां उक्त युवक को लाइनमैन द्वारा बिजली की सप्लाई बंद किए बगैर ही खंभे पर चढ़ा दिया गया, जिससे युवक बिजली की चपेट में आ गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल से ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है। युवक की गंभीर हालत देखकर परिजनों द्वारा मऊ सहानिया स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया और उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि युवक को पैसों का लालच देकर लाइनमैन द्वारा खंभे पर चढ़ाया गया है। इस तरह का कार्य करने वाले और कार्य में लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही हो और युवक को न्याय मिले। मौके पर SDOP कमल कुमार जैन और नौगांव थाना निरीक्षक संजय वेदिया ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर जाम हटवाया। वहीं मऊ सहानिया सकिल के कनिष्ठ अभियंता अमित पटेल का कहना है कि युवक के बारे में फिलहाल जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाएगी। बुंदेली न्यूज। क्या नाम है आपका सर, कौन से पद पर पदस्थ? अमित कुमार पटेल, कनिष्ठ अभियंता पद पर पदस्थ है यहाँ पे मऊ सहानिया में। महेवा में एक युवक को करंट लगा है, लाइन पे चढ़ा था, एकदम से लाइट आ रही है, क्या कैसा पूरा मामला है? देखो अभी इसकी जांच नहीं हुई है, अभी तुरंत हम कुछ नहीं बता सकते कि क्या हुआ है। अब इसकी जांच करने पे पता चलेगा कि कैसे उसको करंट लगा, बाहरी व्यक्ति था, किसी लाइनमैन के कहने पे चढ़ाया, कैसे चढ़ाए, सब जांच करने के बाद ही बता पाएंगे। तो वहीं उनके परिजनों का आरोप है कि लाइनमैन कुशवाहा है कोई, तो उनके कहने पर उसको चढ़ाया गया था लाइन पे जी, जिस वजह से लाइट बंद नहीं हुई, वो लाइन पे चढ़ गया, उसको करंट लग गया, उसकी हालत नाजुक भी बनी हुई है जी। क्या है इसका, क्या? देखो ये तो हम जांच करने के बाद बता पाएंगे कि लाइनमैन के कहने पे चढ़ा, परमिट किसने लिया, किसने दिया, यदि जो जिसकी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लाइनमैन तो महेवा क्षेत्र का जगदीश यादव है। अभी आपकी लाइनमैन से बात तो हुई थी, क्या हुई बात? लाइनमैन से बात हुई तो एक व्यक्ति को करंट लग गया है और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है हॉस्पिटल, वो छतरपुर ले गए उसे इलाज कराने। क्या छतरपुर से जानकारी आ रही है ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया? अब ग्वालियर की रेफर किया हो, सुनने में मुझे भी आया ग्वालियर की रेफर किया है, शायद गया है ग्वालियर। प्राइवेट तौर पर रखती लाइनमैन ने चढ़ाया उसको? देखो ये तो जांच करने के बाद ही बता पाएंगे, यदि कोई जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसमें क्या आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से सूचित किया? हाँ, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि यहाँ एक दुर्घटना हो गई है, विद्युत दुर्घटना। अभी उन्होंने यही कहा है कि इसकी जांच करके जो भी होगा उसकी रिपोर्ट देना।